अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जाएंगे इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। जो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है ये भी एक गैसियस एक्सचेंज होता है, ये भी एक गैसियस एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, बट हियर इज वन डिफरेंस इज देयर। वहां पे आपको किस किस के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होता था, एक तो होता था जो भी एलिव्यूलाई थी, एलिव्यूलाई था, और जो ब्लड होता था किसमें, कैपिलरीज में, दैट मीन्स एलिव्यूरल कैपिलरीज में ब्लड होता था, उसके दरमियान गैसेस एक्सचेंज होता था। मगर यहां पे होता है इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड इन द कैपिलरीज। जो ब्लड होता है इन द कैपिलरीज और जो बॉडी सेल्स होती है इनके दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज होता है, दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। सो रिमेंबर दिस थिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन इट इज एन exchange of gases by same process, by diffusion process between the blood in the capillaries and the body cells. Okay, body cells ke darmiyan aur jo capillaries ke darmiyan gases exchange hoga, us wali respiration ko hum internal respiration kahenge. Aur jo kya hoga ki alveoli ke darmiyan aur jo alveolar capillaries honge, blood in the alveolar capillaries ke darmiyan jo gases exchange होगा उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन की डिफरेंस खाली इतनी है कि ब्लड जो कैपिलरीज में होता है और जो बॉडी सेल्स होती हैं उनके दरमियान गैसेस एक्सचेंज होता है बाय सेम वेरी प्रोसेस, तो उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज जो यहां पे होता है इसके लिए आपको कोई वॉल की जरूरत नहीं होती है, डज नॉट ऑकर अक्रॉस द वॉल ऑफ द आर्टरीज, स्पेशली वॉल ऑफ द आर्टरीज में ये नहीं होना होता है गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, जो कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज, बिकॉज देयर वॉल आर टू थिक। इनमें जो क्या होता है कि जो वॉल होता है वो बेहद ज्यादा थिक होता है, दैट इज वाई गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो नहीं होता है कहां पे, अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। जो वॉल्स ऑफ द आर्टरीज होते हैं, दीवार होते हैं आर्टरीज के, उनमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। जो एक्चुअली जो ये आर्टरीज होती हैं ये थिक होती हैं, इनका साइज बहुत थिक होता है, ये कैरी करती हैं ब्लड कहां से, हार्ट से लेती है ये ब्लड टूवर्ड्स द टिश्यूज। तो यहाँ पे कौन सा फिनामिना होता है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इसका क्या रीजन है बिहाइंड। तो इसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड का होता है, जो अराइव होता है एट द कैपिलरीज, कैपिलरी पे जब पार्शियल प्रेशर हम देखेंगे किसका, ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को देखेंगे कैपिलरी बेड पे, तो वो क्या होता है, वो सेम होगा, वो क्या होगा, सेम एज द ब्लड लीविंग द लंग्स। जो ब्लड लंग्स को लीव करेगा उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा और जो पार्शियल प्रेशर होगा कैपिलरी बेड पे वो सेम होता है, क्या होता है, वो सेम होता है। उसके बाद दूसरी चीज की हम बात करेंगे, दूसरा जो इसका फैक्ट है मैकेनिज्म के साथ जो लिंक करता है वो क्या है, जो अब ब्लड अराइव होता है कहां, टिश्यूज के ओर, उसको क्या होता है, उसको क्लीन किया जाता है ऑफ इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से उसको साफ किया जाता है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होती है तो उसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो इसमें फिर ट्रेवल करते हैं इस पैसेज में, हा? ठीक है, थ्रू द लंग्स, थ्रू द लंग्स। उसके बाद जो हायर पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर, जब पार्शियल प्रेशर होता है किसका, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो ज्यादा होता है, इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
जो कहां पे होते हैं, जो हायर पार्शियल प्रेशर होता है और लोअर पार्शियल प्रेशर होता है टिश्यूज से, कहा टिश्यूज में, देन द टिश्यूज, टिश्यूज में दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, तो उससे क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है बिटवीन कैपिलरी बेड और कैपिलरी ब्लड और जो टिश्यूज में और जो क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, फिर उस गैसेस एक्सचेंज से क्या हो जाता है, उस गैसेस एक्सचेंज से हमें ये फायदा हो जाता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज करता है। क्यों वो डिफ्यूज करेगा? फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, कहां से? ब्लड स्ट्रीम से वो डिफ्यूज करेगा, ठीक है, वाया जो कैपिलरी वॉल होता है, कैपिलरी वॉल से किस में? इनटू द टिश्यूज, टिश्यूज में वो क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा डिफ्यूजेस, कहां से वो डिफ्यूज करेगा? फ्रॉम द सेल, सेल से वो डिफ्यूज करेगा किस में? इनटू द इंटर जो सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसमें वो डिफ्यूज करेगा, देन इनटू द जो हमारा ब्लड स्ट्रीम होती है, ठीक है, टुवर्ड्स द वीनस एंड, जो क्या होता है, वीनस एंड जो होता है ऑफ व्हाट, ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। मैंने आपको बताया जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा होता है देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होता है टिश्यूज में। फिर मैंने बताया जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है बिटवीन कैपिलरी ब्लड और किसके दरमियान, जो टिश्यूज होते हैं, तो वहां पे क्या होना होता है, फिर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूज करता है फ्रॉम द ब्लड, ब्लड स्ट्रीम से वो डिफ्यूज कर लेता है थ्रू द कैपिलरी वॉल किस में, इन थ्रू द टिश्यू। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज कर जाता है, कर लेता है कहां से, फ्रॉम द सेल, जो सेल होती है किस में होती है वो, टिश्यू इनटू द इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड्स में जो सेल्स होती हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है, उसके बाद यानी वो निकल जाता है, डिफ्यूज मीन्स निकल जाना, किस में वो फिर चला जाता है, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड से वो कहां फिर जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो जाए वीनस एंड की ओर, वीनस एंड जो होगा किसका, कैपिलरी का, वहां की ओर जाएगा ताकि वो फिर हार्ट में चला जाएगा वापस, तो फिर उसका क्या हो जाएगी, उसका फिर क्या हो जाएगा, वीनस रिटर्न जब हार्ट में आ जाता है तो वहां पे वो सैचुरेट हो जाता है, उसकी सैचुरेशन वो क्लीनाइज हो जाता है, वो साफ हो जाता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, तो उसमें ऑक्सीजन की लेवल कंसंट्रेशन बराबर आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज internal respiration what I have discussed today. I have discussed the two topics, one is the external respiration, another is the internal respiration. This is all about my today's lecture. Have a nice day.